गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। और मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन चैप्टर की। कैपिटल गेन में, जैसा कि हम जानते हैं, जो सेक्शन कवरेज है, सेक्शन 45 क्लॉज 1 से लेकर सेक्शन 55 कैपिटल ए तक की कवरेज है। और सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 इज द चार्जिंग सेक्शन, जो हमें बताता है कि किन किन कंडीशन के सेटिस्फाइड होने पर कोई पर्टिकुलर इनकम इस पर्टिकुलर हेड के रूल्स के हिसाब से टैक्सेबल होगी। तो बार बार रिपीट मैं कर ही चुका हूँ, कैपिटल एसेट चाहिए, कैपिटल एसेट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड। कैपिटल एसेट की क्या डेफिनेशन है? इट गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 14। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एसेट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 14। ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है। और ट्रांसफर की जो डेफिनेशन है वो है सेक्शन 2 क्लॉज 47 के अंदर। कैपिटल एसेट तो मैं एंटायर डेफिनेशन आपको समझा चुका हूँ। हाँ, ट्रांसफर की डेफिनेशन में एक क्लॉज जरूर रह रही है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन। तो आज उसे समझ लेते हैं कि एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन किस तरह की सिचुएशन में अराइज होता है, क्यों लॉ मेकर्स ने ये क्लोज दी है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन वाली क्लोज क्यों दी है, किस तरह की परिस्थितियों को कवर करने के लिए दी है। इसके अलावा जो सेक्शन 46 है एंड 47 है वो ये बताता है हमें, ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। सेक्शन 46 में तो केवल एक ही ट्रांजेक्शन है जो कि गिवन है, विच इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। बट अंडर सेक्शन 47 बहुत सारी क्लोजेज हैं जो हमें ये बताती हैं, ट्रांजेक्शन विच इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। जो रेलेवेंट ट्रांजेक्शन हैं आपके सी इंटरमीडिएट या सी एस एग्जीक्यूटिव के लिए, वो मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड की हुई हैं। उसमें से भी अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो 5-6 ही क्लोजेज हैं, जिसमें कि सबसे जो इम्पोर्टेंट क्लोज है वो थी गिफ्ट वाली, वो हम कंप्लीट उसे कर चुके हैं। बाकी 4-5 क्लोजेज और हैं जो न्यूमेरिकल में थोड़ी बहुत फंस सकती हैं। बाकी जितनी भी क्लोजेज हैं वो आपकी एमसीक्यू बेस्ड पेपर में फंस सकती हैं, एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन में, तो वो धीरे धीरे करके हम निपटाएंगे। तो हम अब आ जाते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है पेज नंबर, ये है पेज नंबर। पहले मैं देख लेता हूँ कि पेज नंबर क्या है। पेज नंबर है हमारा G24। पेज नंबर 24 पर है कैपिटल गेन इन सम स्पेशल केसेस। उसमें सबसे पहला है टैक्सेशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, वो थोड़ा सा बाद में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैपिटल गेन इन केस ऑफ अमाउंट रिसीव फ्रॉम एन इंश्योरर ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ ए कैपिटल एसेट, सेक्शन 45(1) कैपिटल ए के बारे में। इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। सेक्शन 45(1) कैपिटल ए, ये सेक्शन बाद में आया था, स्टार्टिंग में नहीं था। जब कैपिटल गेन बना तो ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही लॉ मेकर्स ने सिचुएशन सोच रखी थी और उस सिचुएशन को कवर करने के लिए ये सेक्शन पहले से ही दे रखा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बाद में परिस्थितियों की वजह से, जब किसी कंपनी ने, उसके वकीलों ने, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कुछ कैपिटल गेन बचा लिया, काफ़ी बड़ा कैपिटल गेन था, तो तब जाके लॉ मेकर्स जगे और उन्होंने फिर सेक्शन 45(1) ही बनाया। पहले चलिए सेक्शन 45(1) को अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले वो किन परिस्थितियों की वजह से आया सेक्शन 45(1), उस परिस्थिति को समझ लेते हैं। आप ये मानिए कि आपके पास कोई बिल्डिंग है, ठीक है ना, कोई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्यों डिस्ट्रॉय हो जाती है? रीजन कुछ भी हो सकते हैं, आग लग गई इस वजह से खत्म हो गई, इसके अलावा फ्लड, यानी कि आप किसी ऐसे जगह रहते हैं जहाँ समुद्री इलाके हैं, समुद्री तूफान आए और आपकी बिल्डिंग बिल्कुल तहस नहस हो गई,
इसके अलावा भी हरिकेन वगैरह जो आंधी तूफान चलते हैं, कई बार उस वजह से भी आपके जो मकान होते हैं अगर उनकी नींव बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, बहुत पुराने मकान हैं, तो वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो अगर कोई भी आपकी प्रॉपर्टी, तो बिल्डिंग की बात मैंने कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है, कोई भी कैपिटल एसेट है और वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, और आपने उसका इंश्योरेंस क्लेम करा रखा है, ठीक है ना, इंश्योरेंस क्लेम क्या कर रखा है आपने, करा रखा है, इंश्योरेंस क्लेम आपने करा रखा है। इंश्योरेंस भी आजकल जो होता है ना, वो होती है रिप्लेसमेंट वैल्यू पर। मैं भी आपको बताऊंगा रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या होती है, जिससे आपको समझ में आए क्यों ये सिचुएशन अराइज हुई। रिप्लेसमेंट वैल्यू पर इंश्योरेंस होता है, खासतौर से जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। आपने कोई बिल्डिंग है, जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस है, ठीक है, अब वहाँ पे कोई बिल्डिंग है, वो यानी कि 1912 में आपने कोई बिल्डिंग परचेज करी थी, उस समय उसकी जो वैल्यू थी वो 1000 रुपीज़ थी। उस समय 1912 में तो 1000 भी बहुत हुआ करते थे, जैसे आज करोड़ों रुपए हैं, वैसे उस समय 1000 रुपये की वैल्यू हुआ करती थी। आज उसकी जो वैल्यू है, जैसे बात करते हैं, तो उसकी वैल्यू है 2 करोड़। आप ही बताइए कि जैसे अकाउंटेंसी के जो प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल हैं, आपने 1000 रुपये की कोई एसेट परचेज करी, डेप्रिसिएशन लग लग के हो सकता है 1-2 रुपये भी वैल्यू हो जाए, जब तक कि आप उसे रिवैल्यूएट ना करें, रिवैल्यूएशन ना करें उसका। तो मुझे नहीं मालूम कि आपने रिवैल्यूएशन कर रखा है, नहीं कर रखा है, कर होने को लिए बुक्स ऑफ अकाउंट में रिवैल्यूएशन कर भी रखा हो वो नहीं भी कर रखा हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी आप सोचें कि रिवैल्यूएशन करना जरूरी है, जो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ उस पर्पज़ के लिए रिवैल्यूएशन जरूरी नहीं है, इसलिए मैं आपको दोनों बातें बता रहा हूँ। लेकिन जब आप इंश्योरेंस कराएंगे, तो आप ये बताइए, आज की तारीख में 2 करोड़ रुपये की वैल्यू है, अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाए, तो क्या आप उस बिल्डिंग का डेप्रिसिएटेड वैल्यू पर इंश्योरेंस करा के कुछ फायदा है? जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, बाइक का इंश्योरेंस होता है, हर साल इंश्योरेंस कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में वो वैल्यू घटती चली जाती है। तो वहाँ तो ठीक है, गाड़ियों का हुआ या आपका बाइक का इंश्योरेंस हुआ, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि पुरानी जितनी होती रहेगी, वास्तव में भी अगर हम बात करें नॉर्मल कोर्स में भी वो वैल्यू घटेगी ही, उसकी बाजारों कीमत जो है, मार्केट वैल्यू है, वो कभी बढ़ नहीं सकती। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में तो ये जो धारणा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सही नहीं उतरता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की आपकी बुकिस वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन मार्केट वैल्यू तो लगातार बढ़ती चली जाएगी, उसके लिए जरूरी है कि समय समय पर रिवैल्यूएशन होना चाहिए। और जब आप इंश्योरेंस कराएं, तो उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू पर कराएं, ना कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर कराएं। यहाँ तक बात क्लियर है? ये सब मैं कहानी क्यों बता रहा हूँ वो आपको भी पता लग जाएगा, जो आगे बताने वाला हूँ रीजन, उसके लिए जरूरी है कि आपके दिमाग में पहले बैठे कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उनका रिप्लेसमेंट वैल्यू पर इंश्योरेंस होना क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर आपने 1000 रुपये का इंश्योरेंस करा रखा है, तो उस इंश्योरेंस का फायदा ही क्या है? इंश्योरेंस आदमी इसलिए कराता है, अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए कराता है, कि अगर अचानक कुछ प्राकृतिक विपदा की वजह से मेरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो कम से कम फाइनेंशियल बर्डन मेरे ऊपर ना पड़े। तो रिप्लेसमेंट वैल्यू का ही होगा, माना 2 करोड़ रुपये का आपने इंश्योरेंस करा रखा है और प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई। प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी कितना आपको देगी? जल्दी से मुझे बताइएगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पैसा देगी? जल्दी से बताइएगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पैसा देगी? तो 2 करोड़ रुपए देगी, बिल्कुल सही कहा मनीषा आपने, 2 करोड़ रुपए देगी। अब डिपार्टमेंट ये कहता है कि कैपिटल गेन लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि 2 करोड़ रुपए सेल प्राइस हो गया और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1000 रुपये हो गई, बाकी तो लॉन्ग टर्म है, तो जो लॉन्ग टर्म के लिए हम काम करते हैं, इंडेक्सेशन वगैरह वो कर लेंगे, ठीक है ना, लेकिन कैपिटल गेन तो लगेगा। तो बताइए, आर यू एग्री विद मी कि कैपिटल गेन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? तो कैपिटल गेन तो लगेगा, जल्दी से बताइए कि क्या आप सहमत हैं मेरी बात से कि कैपिटल गेन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जल्दी से बताइए। तो यस सर, बिल्कुल इसी का। तो जो इनकम टैक्स आपका बना हुआ है वो 1961 में बना हुआ है, और 1999 में पहली बार वानिया सिल्क
मिल्स लिमिटेड, मिल्स लिमिटेड में पहली बार इस कंपनी के वकीलों ने ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया। आप ये समझ लीजिए कितना टाइम गैप हो गया, 1961 से लेकर 1999, यानी कि करीब करीब आपके 40 साल, करीब करीब 40 साल तक डिपार्टमेंट टैक्स मांगता रहा और हम एसएससी टैक्स देते भी रहे, किसी ने अपना माइंड अप्लाई नहीं करा। मैं क्यों बता रहा हूं ये बातें, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मेरा पर्पज खाली एग्जाम पास कराने का नहीं, एग्जाम तो पास होगा ही होगा आपका अगर लॉजिक सीखेंगे, ठीक है ना। एग्जाम पास करने में भी उन बच्चों को दिक्कत आती है जो लॉजिक नहीं सीखते हैं, शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं। उन्हें पढ़ते वक्त तो बड़ा आसान लगता है उन्हें कि माइंड अप्लाई नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में उससे लगातार जो सीए नहीं बन पा रहे हैं, आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि बच्चे सीए ही नहीं बन पा रहे हैं, और जो कुछ बनते भी हैं उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कंपनियों की एक्सपेक्टेशन पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं, रट रखा है, समझ नहीं रखा उन्होंने। तो खैर मैं क्यों समझा रहा हूँ, 40 साल तक ना किसी क्लाइंट ने अपना दिमाग लगाया, ना उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट, ना वकीलों ने। मैं क्यों बता रहा हूं इस चीज को कि हमेशा ये मानिए, मैं आज भी जो चीज पढ़ाऊंगा आपको, ये मानिए कि आप मेरे से जो लॉ के प्रोविजन सीखेंगे, आप अगर लॉ को पढ़ना अगर आपको आ जाए तो हो सकता है कि मेरे से भी अच्छा माइंड आप लगा लें, यानी कि ओपन है, और कल को आप अपने क्लाइंट का केस जीत जाएं। ऐसा मत मानिए कि जो आपने पढ़ा समझा उससे बियॉन्ड कुछ नहीं है, बस ये केवल जो आप पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं पेपर पास करने के लिए है, लेकिन अभी भी इसमें कमियां होंगी जो कमी अभी तक किसी ने नोटिस नहीं करी। इसलिए मैं वो 40 साल का इतिहास ले रहा हूं मैं आपको, कि 40 ईयर्स तक जो मैं अब बताने जा रहा हूं किसी का भी माइंड उधर नहीं गया। छोटी सी बात है, मैं बताने क्या जाना चाह रहा हूं कि डिपार्टमेंट ने कैपिटल गेन निकाला 2 करोड़ माइनस 1,000, मतलब बाकी ऐसा नहीं कि माइनस 1,000 कर देंगे, मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूल्स होते हैं वो सब इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर से तुम यही कहेंगे ना कि कैपिटल गेन ऐसा निकल जाएगा, और एसएससी ने दिया भी। लेकिन फर्स्ट टाइम इन 1999 इन वानिया सिल्क मिल्स लिमिटेड के केस में पहली बार उसके वकीलों ने दिमाग लगाया कि कैपिटल गेन अराइज होने के लिए किन किन कंडीशन की सेटिस्फाइड होने की जरूरत पड़ती है। पहली कंडीशन है डियर मस्ट बी कैपिटल एसेट, और दूसरी कंडीशन है कैपिटल एसेट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन हुई है वो ट्रांसफर की डेफिनेशन में फॉल करनी चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब इस केस में जहां पर प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रही है एंड इंश्योरेंस कंपनी गिव यू क्लेम, तो क्या प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होना और कंपनी के द्वारा क्लेम देना, तो क्या ये चीज ट्रांजेक्शन ट्रांसफर में फॉल कर सकती है? प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होने में ट्रांसफर कहां हुआ? क्या ये प्रॉपर्टी आपने सेल की, क्या आपने एक्सचेंज की, क्या रिलिंक्विशमेंट किया, क्या कंपलसरी एक्विजिशन हुआ, क्या कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इंटू स्टॉक एंड ट्रेड हुआ? जितनी भी ट्रांजेक्शन ट्रांसफर में कवर्ड हैं, क्या किसी भी लिहाज से ये डिस्ट्रॉय होना प्रॉपर्टी का, अब बदले में कंपनसेशन मिलना, क्या ये ट्रांजेक्शन ट्रांसफर की डेफिनेशन में आने लायक है? ऑल दो ट्रांसफर की डेफिनेशन इंक्लूड्स है, यानी कि जो हमने बताई है ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर में वो तो स्पेशल है, इसके अलावा भी जो आप आमतौर से यूज करते हैं ट्रांजेक्शन ट्रांसफर में वो भी ले सकते हैं, चाहे यहां पर बताई गई हो या नहीं बताई गई हो, तो आप मुझे बता दीजिए कि क्या हम आम भाषा में भी क्या इस चीज को ट्रांसफर माना जा सकता है? क्या हमने गॉड को ट्रांसफर कर दी, भगवान को ट्रांसफर कर दिए प्रॉपर्टी? आंसर इज नो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आप इस चीज को समझ रहे? बिल्कुल लॉजिकली मैं बता रहा हूं, रटाने के लिए तो मैं सीधा सेक्शन पढ़ा देता, लेकिन इससे माइंड डेवलप नहीं होता, और
फ्यूचर में आप परफेक्ट चार्टेड अकाउंटेंट या परफेक्ट कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए आपका लो तोड़ना जरूरी है लीगल वे में, यानी कि आपको माइंड में आना चाहिए कि पहले किन किन लोगों ने लो तोड़ा है लीगल वे में, वो जो आपके एग्जाम्पल है उससे लो पढ़ने का तरीका डेवलप होता है कि हम लोग भी कहाँ का माइंड लगा सकते हैं। मैं बता रहा हूं अभी तक बहुत सारी कमियां हैं इसमें, और आपको माइंड लगाना है, तोड़ना है और पैसा कमाना है। इसी वजह से हर साल अमेंडमेंट होते हैं इनकम टैक्स में। तो हम बात कर रहे थे कि जो ट्रांजेक्शन हमने की है तो क्या ये ट्रांजेक्शन ट्रांसफर में कवर्ड होनी चाहिए, जल्दी से बताइए मुझे। सभी बच्चे जल्दी से जवाब देंगे, जो पेन ड्राइव गूगल ड्राइव से देख रहे हैं क्लासेस वो भी मन में सोचेंगे कि जो ट्रांजेक्शन हुई है यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रॉपर्टी बाई रीजन ऑफ फ्लड, बाई रीजन ऑफ फायर, बाई रीजन ऑफ टाइफून, बाई रीजन ऑफ हरिकेन, जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, तो उस वजह से जो डेस्ट्रॉय हो जाती है प्रॉपर्टी, तो इज इट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर? आंसर इज नो। तो पहली बार वाणिज्य मिल्स लिमिटेड के वकीलों ने मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया कि जज साहब, कैपिटल गेन तभी लगता है इफ देयर इज कैपिटल एसेट एंड कैपिटल एसेट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर। जज साहब, नो डाउट जो प्रॉपर्टी डेस्ट्रॉय हुई है इट इज ए कैपिटल एसेट, बट जो काम हुआ है इट इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। तो व्हाई वी शुड पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, हमें क्यों टैक्स पेमेंट करना चाहिए गवर्नमेंट को? जज साहब की एकदम बात समझ में आ गई कि वास्तव में टैक्स पेमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सारा का सारा खेल आपके लॉजिक का है, आपकी दलीलों का है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट था वो इन द फेवर ऑफ एसएससी दिया था, यानी कि एसएससी इसमें जीता था। यहां तक बात क्लियर है आपके? अब पहली बार जब वाणिज्य मिल्स लिमिटेड के केस में एसएससी जीत गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गवर्नमेंट को डर लगा कि अब तो जिन लोगों में दिमाग नहीं भी है, 40 साल से जो लोग बेचारे टैक्स दे रहे थे क्योंकि डिपार्टमेंट मांग रहा था, बिना अपने दिमाग लगाए हुए वो टैक्स दे रहे थे, अब तो उन लोगों को भी पता लग जाएगा, लग गया बल्कि, तो वो भी टैक्स नहीं देंगे अब। तो उस चीज को दूर करने के लिए गवर्नमेंट सेक्शन 45 कैपिटल 1A लेके आई, स्पेशल सेक्शन लेके आई, सेक्शन 45(1A). उस सेक्शन को ध्यान से पढ़िएगा, यानी कि अब नहीं बचा पाएंगे आप, ये इस सिचुएशन से अब आप नहीं बच पाएंगे क्योंकि स्पेशल सेक्शन आ गया। लॉ में कुछ भी करना है इन्हें वो लिखना पड़ेगा, ये समझ लीजिए आप। लोगों को पढ़ने का जो पहला नियम आप मान लीजिए कि करने को गवर्नमेंट ही कह सकती है, कल को 2 और 2 5 होते हैं, जबकि होते 4 हैं, लेकिन लॉ में आप कह रहे हो कि 2 और 2 5 होते हैं, बिल्कुल फिर मानना पड़ेगा हमें जिस लॉ में भी लिखा है कि 2 और 2 5 होते हैं, उस पूरे लॉ को पढ़ते वक्त हमें 2 + 2 = 5 मानना पड़ेगा, लेकिन मानेंगे तब, पहले आप इस बात को लिखें। पहला नियम आप ये गांठ बांध लीजिए कि हर चीज अगर लिखी हुई है तो हमें वो चीज करनी है, ऑटोमेटिकली लॉ में कुछ भी नहीं होता है। तो सेक्शन 45(1A) 2000 का जब बजट आया था, ये 2000 का 99 में तो ये केस स्टडी डिसाइड हुई थी, तो अगले ही साल जब ये 2000 का बजट आया था तो सेक्शन 45(1A) इंसर्ट कर दिया गया। अब क्या कह रहे हैं, वेयर एनी पर्सन रिसीव एट एनी टाइम ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर, यानी कि जब कोई पर्सन प्रीवियस में किसी भी समय रिसीव करता है एनी मनी और अदर एसेट अंडर एन इंश्योरेंस फ्रॉम एन इंश्योरर ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज टू और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी कैपिटल एसेट एज ए रिजल्ट ऑफ फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक और अदर कन्वल्जन ऑफ नेचर और राइट और सिविल डिस्टर्बेंस, या झगड़े हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम झगड़े हो जाते हैं, और एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोरेशन, आग लग जाती है, विस्फोट हो जाता है, एक्शन बाय एन एनिमी, यानी कि दुश्मनों ने उड़ा दी, सपोज कीजिए बॉर्डर पर आप रह रहे हैं तो आए दिन कुछ ना कुछ गोले बरसते रहते हैं वहां पर जो लोग रहते हैं, मतलब रहते हैं बॉर्डर पर, और एक्शन टेकन इन कम्बेटिंग एन एनिमी, यानी कि दुश्मनों ने उड़ा दी या दुश्मनों से बचने के लिए आपने खुद उड़ा दी। हो सकता है कि कोई विदेशी मतलब सेना आपके इलाके में घुसने वाली हो और आपको लगता है कि भगना पड़ेगा यहाँ से, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन लोगों के हाथ नहीं लगनी चाहिए, तो आपने खुद ही उड़ा दी,
पहले अगर आप देखते हो जो राजपूताना लोग हुआ करते थे, मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वहां पे जब मुगल लोग राजपूतों पे आक्रमण करते थे तो राजपूतों की जो वाइफ हैं, लेडीज हैं, वो जोहर किया करती थी कि कहीं मुगलों के हाथ में ना पड़ जाए हम लोग। तो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो ऐसे ही हो सकता है कि कुछ ऐसी एसेट्स हों आपके उस प्रॉपर्टी में कि आपको लगता है दुश्मनों के हाथ नहीं लगनी चाहिए, तो दुश्मनों से बचने के लिए आपने खुद उड़ा दी, वेदर विद और विदाउट ए डिक्लेरेशन ऑफ वार। यानी कि जरूरी नहीं है कि युद्ध की घोषणा भी हो, जैसे इस समय कोई हमारा चाइना से या पाकिस्तान से कोई युद्ध थोड़ी चल रहा है, ऑफिशियल डिक्लेरेशन वार नहीं है, लेकिन छुटपुट घटनाएं तो रोजाना होती रहती हैं। देन एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम रिसीव ऑफ सच मनी और अदर एसेट शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। ये बेसिकली आप ये समझिए, ये डीमिंग फिक्शन है। डीमिंग फिक्शन का मतलब ये होता है कोई चीज लॉ में है नहीं लेकिन उसे मान ली जाए केवल टैक्सेशन के पर्पज से या कोई और पर्पज से। यानी कि लॉ मेकर जो कोई एक्चुअल में चीज नहीं होती है लेकिन उसे कल्पना में मान लेते हैं कि लॉ को पढ़ते वक्त ऐसा ही माना जाएगा। जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आप सेक्शन 27 पढ़ते हैं, वहां पर डीम्ड ओनर है, कोई वो ओनर थोड़ी है, रियल ओनर थोड़ी है, लेकिन तब भी फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सिंग इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी या एनी अदर प्रोविजन, वो डीम्ड ओनर मान लिए गए हैं। सेक्शन 27 है तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए मान लिए गए हैं, कहीं और डीमिंग प्रोविजन होगा तो वो पर्पज हो जाएगा। तो डीमिंग फिक्शन है। एक चीज और समझ लीजिएगा, जब भी डीमिंग फिक्शन है बिल्कुल वर्ड टू वर्ड इस्तेमाल होगा। एमसीक्यू बड़े खतरनाक होते हैं ये समझ लीजिए, एमसीक्यू जब भी आएंगे नॉलेज अगर उन्हें टेस्ट करनी है तो वो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जहां पर आपका अभी तक ध्यान ही नहीं गया। इसके लिए जरूरी है कि आपको लॉ पढ़ना आना चाहिए और हर एक प्रोविजन का मीनिंग निकालना आना चाहिए। क्यों मैं बता रहा हूं अभी 1 मिनट बाद ही आपको पता लग जाएगी। डीमिंग फिक्शन का मतलब ये है कि जो भी कॉन्सेप्ट ये मानते हैं वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पढ़ना, उसमें जरा से भी गुंजाइश नहीं है अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ने की। जैसे डेफिनेशन होती है मीन्स, तो मीन्स डेफिनेशन को भी हमें वर्ड टू वर्ड पढ़ना होता है, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, जो इंक्लूड डेफिनेशन होती हैं वो एक तरह से एग्जाम्पल्स होते हैं, इसके अलावा भी चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं उसमें उस जैसी ही, ऐसा नहीं कुछ भी इंक्लूड कर लेंगे। जैसे ट्रांसफर की डेफिनेशन इंक्लूड करके थी, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रही है बदले में कंपनसेशन मिल रहा है तो प्रॉपर्टी के डिस्ट्रॉय होने को भी आप ट्रांसफर मान लें। अरे भैया, ट्रांसफर करने के लिए दो व्यक्तियों का होना जरूरी है ना, प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है ना, कि जब आप एक व्यक्ति से दूसरे आदमी को हैंड ओवर करेंगे प्रॉपर्टी को, यहां तो प्रॉपर्टी ही खत्म हो गई, तो किसी भी तरीके से ये चीज ट्रांसफर नहीं मानी जा सकती थी। तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जैसे एक इन्होंने फ्लड है, टाइफून है, हरिकेन है, साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, अदर कन्वल्जन ऑफ नेचर है, एक समुद्री जहाज है, शिप है। अब समुद्र में तूफान आया, समुद्र में तूफान आया, अब वो डूब गया, समुद्र में आए दिन तूफान आते रहते हैं, बदले में कंपनसेशन मिला, तो कैपिटल गेन प्रोविडेंट अट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे? निकालना तो बड़ा सिंपल है, ये सेल कंसिडरेशन क्या होगा वो मैं बता दूंगा, फिर आपको इंश्योरेंस जहां मिलता है तो वहां पे सेल कंसिडरेशन क्या होगा, ये सब प्रोविजन आपको याद करने पड़ेंगे अलग अलग जगह के। तो मुझे तो ये बताइए कि कैपिटल गेन प्रोविजन अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, जल्दी से मुझे बताइए कि अगर शिप डूब जाता है तूफान की वजह से तो कैपिटल गेन प्रोविजन अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, इंश्योरेंस हुआ हुआ था उस शिप का, तो ये प्रोविजन लगेगा या नहीं लगेगा, जल्दी से बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी से बताइए सोच समझ के, बहुत ज्यादा भी सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी आपका प्राइमा फेसी आंसर आ रहा है मन में वो सोच डालिए और बता दीजिए मुझे, कोई डर नहीं है। इसी का कह रही है, नहीं सर, शेफाली भी कह रही है नहीं लगेगा, मनीष, सभी बच्चे तो कह रहे हैं नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, जल्दी से बताइए क्यों नहीं लगेगा। देखिए, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि अगर जहाज डूब गया है
पेंशन का क्लेम मिला तो क्या कैपिटल गेन के प्रोविजन लगेंगे नहीं लगेंगे, इसी का कहना है ये ट्रांसफर नहीं है। मनीषा का कहना है सर बिकॉज इट इज नॉट डिस्ट्रक्शन और डैमेज, इट्स ए सिंकिंग ओनली दस कैन नॉट बी डीम्ड। देखिए इसी का आप तो लो से हटके जवाब दे रही हैं काफी हद तक। मनीषा का भी जवाब गलत है वैसे, लेकिन जहां तक मैं पहचान पा रहा हूं और मैं सही पहचान पा रहा हूं, फिर भी लो को जिस तरह पढ़ना है और जिस इशू के ऊपर क्वेश्चन था वो थोड़ा थोड़ा पकड़ पा रही है, ऑल्दो पकड़ा गलत है। पहले इसी का की बात कर लेते हैं कि ये ट्रांसफर नहीं है। सेक्शन 45(1)(a) एक बिल्कुल सेपरेट सेक्शन है और वो ये बता रहा है कि अगर कोई पर्सन रिसीव करता है इंश्योरेंस मनी क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई है, डैमेज हो गई है, डिस्ट्रक्शन हो गया है कैपिटल एसेट का इन इन वजह से, तो कैपिटल गेन अराइज होगा। यानी कि इस सेक्शन में अगर आप आ जाते हैं तो सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 का इस्तेमाल नहीं होगा और प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना भी जरूरी नहीं है क्योंकि स्पेशल सेक्शन बना दिया है इन्होंने। सेक्शन 45(1) में जो लोग कवर्ड होंगे वहां ट्रांसफर होना जरूरी है, लेकिन 45(1)(a) में जो लोग कवर्ड होंगे वहां ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइए कि क्या ये चीज क्लियर है या नहीं है, ये चीज क्लियर है या नहीं है? ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है अगर सेक्शन 45(1)(a) लग रहा है, सेक्शन 45(1)(a) की कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो दे नो नीड कि कैपिटल एसेट मस्ट बी ट्रांसफर्ड। अगर सेक्शन 45(1)(a) लग रहा है तो नो नीड कि कैपिटल एसेट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड। सबसे पहले तो अपने मन में ये क्लियर कीजिए। अब बात आते हैं मनीषा की। मनीषा कह रही है इसमें सिंकिंग कवर्ड नहीं है। देखिए यहां पर कह रहे हैं कि कोई भी एसेट, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, कि डैमेज हो जाए या डिस्ट्रक्शन हो जाए और कैपिटल एसेट का और रीजन ये हो, आप ही बताइए सिंक होना, ठीक है ना, सिंक होने के बाद क्या होता है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय ही तो होती है। रीजन ये हो, आपका फ्लड आ गया, टाइफून आ गया, हरिकेन समुद्री तूफान को कहते हैं, तो मैं बता ही रहा हूं आपको कि समुद्री तूफान आया, इस वजह से जो शिप है वो डूब गया, डूबने के बाद वो डिस्ट्रॉय ही तो हो गया, आप ही बताइए। तो ये चीज कवर्ड है सेक्शन 45(1)(a) में, और सेक्शन 45(1)(a) में जिस तरीके से कैपिटल गेन निकालना है वो निकलेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मनीषा स्पेशली आपको क्लियर है या नहीं है? लेकिन आपका जवाब गलत होने के बाद भी मैं तारीफ जरूर करूंगा, ये मैं शुरुआत से भी देख रहा हूं कि लो की पकड़ बहुत अच्छी है, क्यों मैं बता रहा हूं। अब मैं दूसरा क्वेश्चन उठाऊंगा कि आप फिर भी काफी हद तक पकड़ जाती हैं लो को, जवाब सही या गलत से मुझे मतलब नहीं है, मैं बता ही दूंगा आपको सही जवाब, लेकिन रीजन आपने क्या दिया वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शिप में एक शिप आ रहा है, कार्गो शिप है जिसमें सामान लदा हुआ है और सामान ज्यादा लदा हुआ है, जिस समय लदा उस समय ज्यादा महसूस हुआ नहीं, लेकिन समुद्र में बीच में आते आते वो हैवी वेट की वजह से डूब गया और डिस्ट्रॉय हो गया। अब बताइए इंश्योरेंस क्लेम मिला, इंश्योरेंस क्लेम मिलना ना मिलना सेक्शन 45(1)(a) के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो तो क्या है प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होगी किसी भी वजह से अगर नियमों के हिसाब से, तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। इंश्योरेंस क्लेम मिला और हैवी वेट की वजह से ये जो शिप है डूब गया, तो क्या सेक्शन 45(1)(a) लगा के कैपिटल गेन के प्रोविजन में आएंगे या नहीं आएंगे, जल्दी से बताइए। फिर तीसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा, अगर हैवी वेट की वजह से कोई शिप डूब जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है, अब बाद में इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, तो क्या सेक्शन 45(1)(a) में ये सिचुएशन कवर होगी या नहीं होगी,
आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी से बताइए कवर होगी या नहीं होगी, यस या नो का आंसर मुझे चाहिए। मनीषा कह रही है अगर सर ये प्रूव हो जाए कि हैवी वेट से ही हुआ था तो लगेगा, बट अगर ओवरलोड की वजह से प्रूव हो तो नहीं लगेगा। बेटा हैवी वेट और ओवरलोड एक ही बात तो हो गई। सामान का वेट ज़्यादा है, सामान का वेट ज़्यादा है। चलिए मैं बता देता हूँ, उससे बार बार आपको मैं एक ये चीज़ बार बार बताता रहूँगा कि लोगों को पढ़ना कैसे है वो भी समझ आपके धीरे धीरे करके विकसित होनी चाहिए। जो रीजन यहाँ लिखे हुए हैं प्रॉपर्टी के डिस्ट्रॉयर होने के, फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक या अदर कन्वर्जन ऑफ नेचर, यहाँ पर अगर सामान के ओवरलोड होने की वजह से शिप डूब जाए तो वो रीजन नहीं लिखा हुआ है। तो दैट्स वाई सेक्शन 45(1)(a) इज नॉट एफेक्टेड। इससे पता लग रहा होगा आपको कि लोगों को कितना हमें वर्ड टू वर्ड पढ़ना होता है और हमें उनका फायदा भी प्रैक्टिकल लाइफ में जज के सामने जब वकीलों की बहस होती है तो वहां उठाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ा कुछ, समझा कुछ और आपने बस मोटे मोटे जो कीवर्ड्स हैं बस वो ही पढ़ लिए कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया तो ये सेक्शन लगा दो, ऐसा नहीं है। किस रीजन की वजह से प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई है तो वो रीजन क्या यहाँ पर कवर्ड है, फ्लड है, टाइफून है, हरिकेन है, साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, अदर कन्वर्जन ऑफ नेचर है, लेकिन यहाँ पर ओवरलोड, हैवी वेट ऑफ कार्गो नहीं है। तो जब नहीं है तो उसका फायदा उठाइए और कैपिटल गेन देने से बच सकते हैं। समझ में आ गई बात आपके, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। और एमसीक्यू में बहुत बढ़िया क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। आगे देखिएगा, 10 सेक्शन 45(1)(a) हैज इटसेल्फ बिकम द चार्जिंग सेक्शन इन दिस केस, इट हैज नथिंग टू डू विद सेक्शन 45 एंड एज सच देयर विल बी अ कैपिटल गेन इवन इफ नो कैपिटल एसेट हैज बीन ट्रांसफर्ड। ऑल्दो कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर नहीं की गई है लेकिन 45(1)(a) अपने आप में एक चार्जिंग सेक्शन है जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर बात करता है कि अगर ये पर्टिकुलर सिचुएशन अराइज हुई तो उस केस में कैपिटल गेन लगेगा। लगेगा कैसे, ये तो हुई कि थ्योरी तैयार हो गई हमारी, मेटीरियल तैयार हो गया हमारा। जैसे मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था कि खाना बनाना है तो उससे पहले आपको सारे सामग्री तैयार करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका खाना बनेगा। तो लगाएंगे कैसे, वो न्यूमेरिकल पार्ट है। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होते हैं, जो भी सारा का सारा माइंड है वो थ्योरी में है, तो थ्योरी के कॉन्सेप्ट आपके मजबूत होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई न्यूमेरिकल आया आपके सामने और फटाफट करने बैठ गए, जबकि उसमें हो सकता है दो लाइनें लिख के खत्म हो जाता कि जो भी न्यूमेरिकल आया कि कैपिटल एसेट नहीं इसलिए कैपिटल गेन नहीं लगेगा, या ये ट्रांजेक्शन ट्रांसफर नहीं है इस वजह से कैपिटल गेन नहीं लगेगा, और आपने तो फटाफट अपना कैपिटल गेन निकालना शुरू कर दिया। जरूरी नहीं कि सारे न्यूमेरिकल में आपको करना ही पड़े, पहले आप थ्योरिटिकल सोचें कि क्या वो सिचुएशन कैपिटल गेन निकालने के लायक है भी या नहीं है। अब हमें सारा का सारा मेटेरियल तैयार है हमारा कि कैपिटल गेन निकालने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है सेक्शन 45(1)(a) में। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ये कैपिटल गेन लगेगा कैसे, न्यूमेरिकल करने के लिए। जब भी न्यूमेरिकल की बात करें तो आपको तीन चार चीजें जरूर पता होना चाहिए कि कैपिटल गेन निकालने के लिए सेल कंसिडरेशन क्या होगा। सोचिए आप, अभी हमने पढ़ा नहीं है, सेल कंसिडरेशन क्या होना चाहिए यहां पर, सोचिए आप सेल कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, सेल कंसिडरेशन क्या होना चाहिए। जवाब आया इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीव, वेरी गुड, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके मन से भी यही जवाब आ रहा है। ज्यादातर लो आप ये मानिए कि आप खुद ही लो मेकर्स हैं, अगर आपको एक बार लो पढ़ना आ जाए तो फिर लो बनाने की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे करके,
तो सिचुएशन अगर आपके सामने है, आप ये मानिए आप लो मेकर हैं और आप लो मेकर हैं, अगर आप ऐसी सिचुएशन में लो बनाते तो क्या बनाते, तो 90% केसेज में आपको जवाब मिल जाएगा, तो उन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और जिन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो आपका बर्डन जो है कम हो जाएगा, आपको डर कम लगेगा, ये तो थ्योरी तो बहुत ज़्यादा है। तो वेरी गुड कि जो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, एक चीज़ हमें चाहिए कि उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक उसकी चाहिए हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कोई यहाँ पर दिक्कत है? एसएससी ने जिस भी रेट में खरीदी होगी प्रॉपर्टी को, वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा, वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। तो सेल कंसिडरेशन आपके पास आ गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई, इंप्रूवमेंट अगर होगी एसेट की वो आ जाएगी आपके पास, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। दो चीजें जरूरी हैं, दोनों चीजों का जवाब आपके पास आ गया। यहां पर सेल कंसिडरेशन नहीं पता लग रही थी, तो जो इंश्योरेंस क्लेम मिला वो सेल कंसिडरेशन है। कोर्ट में तो कोई वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है, तो कोर्ट तो जो एसएससी ने कही दी होगी वो कोर्ट हो जाएगी। अब एक दिक्कत और आती है इसमें, एक दिक्कत क्या आती है, जब भी इस तरह से हम कोई प्रॉपर्टी रेक्टिफाई होती है, क्लेम मिलता है, तो हो सकता है उसमें फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाए आपका। ऐसा नहीं हो सकता क्या कि 2019-20 में आपकी प्रॉपर्टी डेस्ट्रॉय हुई? अब एकदम तो ऐसा, इतनी अच्छी तो इंश्योरेंस कंपनी होती नहीं है कि डेस्ट्रॉय हुई आपने क्लेम फाइल किया एकदम फटाफट आपको दे दिया अगले दिन ही, वो पूरी की पूरी इंक्वायरी करेगी वास्तव में कितना नुकसान हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लेम लेने के लिए एसएससी ने खुद ही डेस्ट्रॉय कर दी हो, इस तरह की जेन्युइननेस भी चेक करेगी। तो हो सकता है 2 महीने 4 महीने 6 महीने लग जाएँ या साल लग जाए, तो क्लेम आपको हो सकता है कि ईयर ऑफ जिस ईयर में प्रॉपर्टी डेस्ट्रॉय हुई है तो उस ईयर में ना मिले क्लेम, बल्कि किसी और ईयर में मिले क्लेम। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? हर तरह की सिचुएशन को दिमाग में रखना है, उसका जवाब आपको लॉ मेकर्स ने दिया हुआ है कि किस ईयर में आपका कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। बिल्कुल संभव है 2019-20 में प्रॉपर्टी डेस्ट्रॉय होती है, ये डेस्ट्रॉय होती है, लेकिन जो क्लेम मिलता है आपका प्रीवियस ईयर 2020-21 में क्लेम रिसीव होता है, क्लेम रिसीव होता है। अब बताइए आप मुझे कि किस ईयर में कैपिटल गेन लगना चाहिए, लॉजिकल बताइए आप। प्रॉपर्टी डेस्ट्रॉय हो गई 2019-2020 में, लेकिन क्लेम आपको मिला 2020-21 में, तो किस साल आपका कैपिटल गेन टैक्स लगना चाहिए? तो जवाब आ रहा है आपका 2020-21 में, और यही लॉ मेकर्स ने लिखा हुआ है, तो यहां पे भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों याद करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि आपके मन से भी यही लॉजिक आ रहा है कि भैया 2019-20 में इसलिए नहीं लगना चाहिए, एक तो बेचारे की प्रॉपर्टी डेस्ट्रॉय हो गई, क्लेम अभी हाथ में आया नहीं है, क्लेम हाथ में आया नहीं है, तो क्या अपनी जेब से वो कैपिटल गेन देगा? अरे भाई, कैपिटल गेन तो तभी देगा जब पहले क्लेम मिल जाए, पहले आपको क्लेम मिल जाए, उसी पैसे में तो आपको सरकार को चढ़ावा चढ़ाएगा वो, बिना क्लेम मिले हुए सरकार को कैसे चढ़ावा चढ़ा दे? तो ये एक प्रैक्टिकली दिक्कत है। ऑल दो 2019-20 में भी कैपिटल गेन निकल सकता था, ऐसा नहीं है कि सरकार ने हर जगह इन लॉजिक को इस्तेमाल किया है। टेक्निकली अगर लीगली देखें तो 2019-20 में कैपिटल गेन निकलना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकल मजबूरी को देखते हुए इन्होंने डेफर किया है कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, कि उस व्यक्ति के साथ बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी डेस्ट्रॉय हुई है। हम कह दें भैया तुझे मिलता रहे कैपिटल गेन, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा तो पहले मतलब तुझे मिलता रहे इंश्योरेंस क्लेम, हमें मतलब नहीं है पहले, लेकिन हमें चढ़ावा चढ़ा दे, जो कैपिटल गेन निकलना है वो हम फटाफट निकाल के और गवर्नमेंट को टैक्स दे, तो ये थोड़ा सा हार्डशिप हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा हर जगह ये हार्डशिप रिमूव नहीं की गई है, कुछ जगह जो टेक्निकल पॉइंट हैं, चाहे वो कितने भी हार्डशिप है, उसी आधार पर आपसे टैक्स लिया जाता है। ध्यान कीजिए सैलरी चैप्टर में, अगर सैलरी जो टैक्सेबल होती है, ड्यू और रिसीव व्हिच एवर हैपेंस टू बी अर्लियर के बेसिस पर टैक्सेबल होती है, एक व्यक्ति कहीं नौकरी कर रहा है, कई सारी ऐसी संस्थाएं होती हैं एक एक साल दो दो साल से तनख्वाह नहीं दी है, लेकिन स्ट्रिक्ट प्रोविजन के तहत जो एम्प्लाई है
चाहे आपको तनख्वाह मिली है या नहीं मिली है, उसे टैक्स देना पड़ता है। कितनी हार्डशिप है एम्प्लॉय के हाथ में, देखिएगा। एक एक साल दो दो साल से आपको तनख्वाह नहीं मिली, लेकिन ड्यू तो हो गई आपकी, चाहे रिसीव हो या ना हो। वहां पे इस तरह का कोई लॉजिकल व्यू नहीं लो मेकर्स ने डाल रखा है, वहां तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन यहां डाल रखा है लॉजिकल, लो में ही इनबिल्ट है, तो टैक्स लगेगा उस साल जिस साल आपको क्लेम मिलेगा। अब एक क्वेश्चन और, सर अगर लॉन्ग टर्म है, सब चीजों के जवाब तलाशने आपको थ्योरी में कि क्योंकि जब न्यूमेरिकल करेंगे तो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, तो इंडेक्सेशन कहां तक का करेंगे? प्रॉपर्टी तो डिस्ट्रॉय हो गई 2019-20 में, क्लेम मिला 2020-21 में, तो इंडेक्स नंबर 2019-20 का अलग होगा और 2021-22 का अलग होगा। जल्दी से बताइए, अगर इंडेक्सेशन की जरूरत पड़ी, यानी कि अगर लॉन्ग टर्म हुई, तो इंडेक्सेशन कहां तक का करेंगे ये और बता दीजिए, फिर न्यूमेरिकल एकदम बड़ा इजी हो जाएगा, थ्योरी आपकी सारी सारी लॉजिकल हो जाएगी, यानी कि आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडेक्सेशन इफ रिक्वायर्ड, अगर इंडेक्सेशन की जरूरत पड़ी तो कहां तक का इंडेक्सेशन हमें करना पड़ेगा, प्लीज टेल मी, जल्दी से बता दीजिए कि इंडेक्सेशन इफ रिक्वायर्ड तो किस डेट तक का हमें इंडेक्सेशन करना पड़ेगा, कौन से ईयर तक का इंडेक्सेशन हम लोग करेंगे, जल्दी से बता दीजिए। शायद सभी लोग सोच में पड़ गए हैं, इसका जवाब आप नहीं तलाश पा रहे हैं, तो मैं बता देता हूं, इंडेक्सेशन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो 2019-20 का ही करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई में 2019-20 का इंडेक्स नंबर आएगा, ना कि 2020-21 का आएगा, क्योंकि हम केवल कलेक्शन बाद में ले रहे हैं, वास्तव में तो सारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो कैपिटल गेन लगाने की थी वो 2019-20 में पूरी हो रही हैं, लेकिन एसएससी के ऊपर बर्डन ना पड़े, हम केवल कलेक्शन बाद में कर रहे हैं, हम केवल कलेक्शन डेफर कर रहे हैं। कब तक डेफर कर रहे हैं? जब तक कि आपको क्लेम नहीं मिलता है, जब तक कि आपको क्लेम नहीं मिलता है, लेकिन निकालने का तरीका वैसे रहेगा जैसे 2019-20 में निकालते, यानी कि न्यूमरेटर में जब आप इंडेक्स नंबर यूज करेंगे तो 301 यूज नहीं करेंगे, करंट ईयर का यूज नहीं करेंगे, बल्कि उस साल का यूज करेंगे जिस साल आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई है। अब वो क्वेश्चन का पार्ट होगी, क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा इंडेक्स नंबर। तो अब बताइए, सारा सारा मेटीरियल जो जरूरी है हमारे न्यूमेरिकल को करने के लिए, वो आपके पास मौजूद है या नहीं है? तो यही सब थ्योरी में लिखा हुआ है, इन विच प्रीवियस ईयर द कैपिटल गेन शैल अराइज, इन द अबव केस द कैपिटल गेन शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच मनी और अदर एसेट वाज रिसीव्ड, व्हाट शैल बी द फुल वैल्यू कंसिडरेशन इन दिस केस, इट शैल बी द वैल्यू ऑफ एनी मनी ओर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द अदर एसेट फॉर द डेट ऑफ सच रिसीप्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइए कि ये सब चीज क्लियर है या नहीं है। क्लियर नहीं है तो फिर मैं आपको दोबारा से बताऊंगा जो प्रोविजन आपको क्लियर नहीं होगा। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा ये कट के आ रहा है क्वेश्चन, तो प्रॉब्लम पड़ेगी। एक बार मैं दोबारा से देख लेता हूं ये कट के क्यों आ रहा है। अब चलिए सही हो गया, कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी सॉफ्टवेयर की। क्वेश्चन आपके सामने है पेज नंबर 25 पर, आर ओन्स ए हाउस प्रॉपर्टी विच वाज परचेज बाय हिम ऑन 1st May 79 फोर रुपीज 3 लाख, द सेट प्रॉपर्टी वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 3rd of April 2020। जहां पर भी मैंने एक्स एक्स लिख रखा है वो 20 या 21 में से एक होगा, डिपेंड की डेट क्या दी हुई है। तो जैसे 3rd April है, तुम्हारा प्रीवियस ईयर आपको पता है अप्रैल से शुरू होता है तो 2020, लेकिन अगर इसकी जगह सपोज कीजिए 3 January होती तो हमारा प्रीवियस ईयर March 2021 तक जाता है, तो यहां पर फिर 2021 हम लोग लिख लेते। तो ऑन 3rd April 2020
एंड आर रिसीव्ड ए सम ऑफ 50 लाख फॉर द इंश्योरेंस कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि जिस साल में आपकी प्रॉपर्टी डेट्रॉय हुई है उसी साल क्लेम भी आपको मिल गया। द मार्केट वैल्यू ऑफ द अबव प्रॉपर्टी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 16 लाख। ये क्यों दे रखी है? क्योंकि आपने जो प्रॉपर्टी परचेज की थी वो 1 अप्रैल 2001 से पहले की है, तो उस केस में मार्केट वैल्यू जरूर पता होनी चाहिए आपको 1 अप्रैल 2001 की, तभी क्वेश्चन हम आगे बढ़ा सकते हैं। कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, पूरी हेडिंग मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पर, तो सीधे क्वेश्चन को कर लेते हैं। सेल कंसिडरेशन हो जाएगा 50 लाख, सेल कंसिडरेशन हो जाएगा 50 लाख, एक्सपेंसिव ऑन ट्रांसफर वगैरह दे नहीं रखे हैं, लेस इनडेप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 3 लाख की खरीदी थी लेकिन आपका जो ये मार्केट वैल्यू है वो ज्यादा है खरीदने से, तो 16 लाख को डिवाइड करेंगे 100 से, बेस ईयर 100 है, मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि आपका 2020-21 के दौरान ही मिल रहा है तो 301। जल्दी से निकालिए कितना आता है ये, मैं भी निकाल लेता हूँ। 16 लाख डिवाइड बाई 100 इंटू 301, तो ये आ जाएगा 48,16,000। 48,16,000 इसे माइनस कर दीजिए 50 लाख में से, इसे माइनस कर दीजिए 50 लाख में से, तो ये आ जाएगा 1,84,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऊपर हेडिंग आप डाल ही लेंगे। इसका जो बी पार्ट है वो भी देख लेते हैं एक बार। व्हाट शैल बी द कैपिटल गेन इफ द एसेट वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 3rd of March 2020। यानी कि 3rd of March 2020 कौन से ईयर में आया? ये 1920 प्रीवियस ईयर में आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई है। एंड कंपनसेशन वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21। थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है कि क्या होगा अगर 3rd अप्रैल 2020 में डिस्ट्रॉय हुई है प्रॉपर्टी और कंपनसेशन आपको मिला है 2021 में। देखिए चाहे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें तो जो ए पार्ट था इसमें प्रॉपर्टी भी आपकी 2021 में डिस्ट्रॉय हुई थी और कंपनसेशन भी 2021 में मिला था आपको, तो ऊपर जब हेडिंग डालेंगे आप कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 असेसमेंट ईयर 2021-22। जो बी वाला पार्ट है उसमें भी हेडिंग यही डालेगी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22, क्योंकि हम निकालते उस प्रीवियस ईयर में जिसमें कंपनसेशन आपको मिलता है। लेकिन निकालने का जो तरीका है यहां पर जो 301 है वो 301 नहीं आएगा, बल्कि 1920 वाला जो इंडेक्स नंबर होगा वो आपको यूज करना है, हेडिंग वही आएगी क्योंकि निकालेंगे हम उस साल, जिस साल उस साल निकालेंगे उसी साल टैक्सेबल करेंगे जिस साल आपको कंपनसेशन मिलेगा, तो हेडिंग तो वही आएगी। लेकिन निकालने का तरीका न्यूमरेटर में जो इंडेक्स आता है वो उस साल का आता है जिस साल आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई है, तो ये जब चेंज हो जाएगा तो ये आपकी अमाउंट चेंज हो जाएगी और आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे, जल्दी से बताइए ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे या नहीं करेंगे। केवल आपको 301 की जगह 2019-20 का इंडेक्स नंबर यूज करना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना। एक तीसरा क्वेश्चन इसी में मैं एक और बना के पूछ लेता हूं, क्या होता आपका कैपिटल गेन प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई 1920 में लेकिन 31st मार्च 2021 तक कोई क्लेम नहीं मिला। पेपर में सेम क्वेश्चन आ जाए लेकिन लास्ट में लिख दें कि क्लेम आपको टिल 31st मार्च 2021 तक नहीं मिला, तो क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में आंसर आएगा, आप पहले एज पर सेक्शन 45(1)(a) थोड़ा सा रेफरेंस देंगे थ्योरी का कि क्या रूल है उसका, और उसमें बताएंगे कि कैपिटल गेन अराइज तो उस साल हो जाता है जिस साल प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होती है और सेल कंसिडरेशन के रूप में इंश्योरेंस क्लेम जो हमें मिलता है वो आम लोग लेते हैं, लेकिन टैक्सेबल उस साल होता है जिस साल क्लेम मिलता है। अब क्योंकि 31 मार्च 2021 तक कोई क्लेम आपको नहीं मिला है तो नो कैपिटल गेन शैल बी टैक्सेबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21, आपको ये लिखना होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइए कि ये चीज क्लियर है या नहीं है।
अभी सेक्शन में बहुत कुछ और भी बताना रह गया है मुझे, छोटी छोटी बातें, और एमसीक्यू बहुत बढ़िया वहां से फंस सकते हैं। न्यूमेरिकल तो आप फटाफट कर ही लेंगे अब, लेकिन न्यूमेरिकल को आइडेंटिफाई करने का जो काम है कि वास्तव में न्यूमेरिकल में सारा का सारा मेटीरियल, कैपिटल गेन निकालना भी है नहीं निकालना, वो मौजूद है या नहीं है, वो सारा का सारा काम थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग से ही क्लियर होगा। अगर आपको थ्योरी क्लियर है तो बढ़िया तरीके से आप कर पाएंगे, अगर थ्योरी क्लियर नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए इनकम टैक्स में इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर लॉस आ जाए, देखा जाए जो आपकी प्रैक्टिकल हालात रहे होंगे उसे तो आप बदल नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि उसे लॉस हो जाए प्रैक्टिकली, लेकिन हो गया अब उसे। अब लेकिन लो मेकर से भी कह सकते हैं कि जी हम लॉस की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम तो केवल इनकम इनकम की कैलकुलेशन करेंगे, लो मेकर से भी कह सकते हैं। तो वो ज्यादा अच्छी सिचुएशन थी, या अगर हमें कुछ केसेस में लॉस हो रहा है और इनकम टैक्स भी उसे लॉस मान रहा है और उसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट इनकम टैक्स में देने के लिए तैयार है, तो वो ज्यादा अच्छी स्थिति है। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताएं तो जो मैं बार बार बता रहा हूं कि हम प्रैक्टिकली हालातों को नहीं बदल सकते, वो हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो हो गया वो ठीक है, लेकिन अगर इनकम टैक्स के रूल लग के एक व्यक्ति की इनकम आ रही है और एक व्यक्ति का लॉस आ रहा है, तो इनकम टैक्स के एंगल से इनकम आना बेहतर होता है या लॉस आना बेहतर होता है? इनकम टैक्स के एंगल से किसी व्यक्ति की इनकम आना बेहतर होता है या लॉस आना बेहतर होता है? मेरा क्वेश्चन ये है सभी बच्चों से, जल्दी से बताएं। तो इसी का कह रही है इनकम आना बेहतर होता, गलत आंसर है, लॉस आना बेहतर होता है, क्योंकि इनकम आएगी तो टैक्स देना पड़ेगा। इस चीज को समझिए सभी बच्चे कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा है वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो जो है है, हम उसे लॉस माने इनकम माने, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर कुछ मैनिपुलेट करके कुछ प्रोविजंस इस तरह के हम ढूंढ ढांड के कुछ हम ऐसा करते हैं कि एक प्रोविजन लगा के इनकम आ रही है, एक प्रोविजन लगा के लॉस आ रहा है या इनकम कम आ रही है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम कम होना बेहतर है या लॉस आ जाए तो बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमें टैक्स नहीं देना होता। या लॉस आ जाए तो सपोज कीजिए आपके दो सोर्सेज हैं, एक सोर्सेज में 10 लाख रुपए की इनकम आ रही है और एक दूसरे सोर्सेज में 3 लाख रुपए का लॉस है, तो आप ये प्लस माइनस कर सकते हैं नहीं कर सकते, यानी कि आपको 7 लाख रुपए के ऊपर ही टैक्स देना पड़ेगा। अगर 3 लाख रुपए का लॉस जो है रिकॉर्ड हो जाए इनकम टैक्स के प्रोविजन लग के उसका कोई ट्रीटमेंट इनकम टैक्स में हो जाए, लेकिन अगर किसी वजह से इनकम टैक्स का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है लॉस के ऊपर, तो फिर तो ये डेड लॉस है। जो हो चुका लॉस आपका प्रैक्टिकल लाइफ में वो तो 3 लाख का है, लेकिन अगर इनकम टैक्स में इसे रिकॉर्ड कर लिया जाए, इनकम टैक्स में ट्रीटमेंट कर लिया जाए, तो ये लॉस एक फायदे की चीज साबित हो सकता है। जहां आपको पहले 10 लाख रुपए पर टैक्स देना था, 10 लाख रुपए पर टैक्स ना देके आप केवल 7 लाख रुपए पर टैक्स देंगे, अगर 3 लाख रुपए का जो लॉस है डिपार्टमेंट के प्रोविजन से ये रिकॉर्ड हो जाए, इसका ट्रीटमेंट अंडर इनकम टैक्स हो जाए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे की प्रोविजन बताना स्टार्ट करता हूं आपको। थ्योरी को मैं बहुत ज्यादा डिटेल लेके चल रहा हूं, न्यूमेरिकल के लिए इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जरूरी है एमसीक्यू के लिए और जरूरी है आपके एक परफेक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट या परफेक्ट कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए, कि आप सीए या सीएल बनने के बाद जो हालात हैं पिछले 5-6 सालों से स्पेशली, तो आप ये कहते हुए सुनेंगे जो सीए सीएल बन भी जाता है या नौकरी नहीं है, बढ़िया नौकरी नहीं है, तो भाई कैसे लगेगी अगर आप गलत तरीके से रट रटा के, और ऐसा नहीं है कि
जो बच्चे रटते हैं वो जल्दी पास होते हैं, चांसेस बहुत कम है उनके भी, जो बच्चे समझते हैं वो जल्दी पास होते हैं। थोड़ा सा मुश्किल तो आ सकती है जब हम समझाएं आपको, माइंड भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन बात की जो चीज़ें हैं वो बड़ी आसानी से हो जाती हैं, क्योंकि चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है आपकी, रटने से कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी। तो जल्दी से बताइए मुझे, यहाँ तक क्लियर हो गया आपके? अब एक मैं सिचुएशन ले रहा हूँ। देखिए, आपकी कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, कोई प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रॉय हो गई, इंश्योरेंस करा रखा था आपने, इंश्योरेंस कराने के बाद भी क्या हमेशा इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा, या कुछ टेक्निकल ग्राउंड पर इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ इंक्वायरी वगैरह करी, कोई तकनीकी गलती निकाल ली और आपको इंश्योरेंस क्लेम देने से मैंने कर दिया? दोनों बातें हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, क्लेम मिल भी सकता है और क्लेम नहीं भी मिल सकता अगर कोई तकनीकी, उसने कोई टेक्निकल पॉइंट निकाल के आपको क्लेम देने से मना कर दिया। हो सकता है या नहीं हो सकता, जल्दी से मुझे जवाब दीजिए पहले इसका, हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। चलिए, अब आपने 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी की भी कुछ शर्तें होती है, हम क्लेम देंगे तो ये कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेंगी। किसी वजह से जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, पता लगा, कंपनी ने थोड़ा इंक्वायरी करी, पता लगा कोई टेक्निकल मिस्टेक आपसे हो गई थी, कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया, बहुत भारी भरकम नुकसान हो गया भाई, 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। उससे तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, जो प्रैक्टिकली हो गया उससे में आप बदलाव नहीं ला सकते। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि मुझे क्लेम ना मिले, हर व्यक्ति ये चाहेगा कि मुझे क्लेम मिल जाए, लेकिन अब हो गया, ये तो काम हो गया, अब कैपिटल गेन कैसे निकलेगा बताइए मुझे? जब आप कैपिटल गेन निकालते हैं तो प्रॉफिट भी निकालते हैं, लॉस भी निकालते हैं। अब तो आप ये चाहेंगे ना कि ये जो 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, सेल कंसिडरेशन 0, क्लेम मिला नहीं, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 करोड़, तो लॉस आ गया 2 करोड़। समझ में आ रही है बात आपके? ये लॉस भी फायदे की चीज है, जब मैं आपको बताऊंगा। मैं सपोज कि लॉस कंपनी का है, कंपनी को 30% टैक्स देना पड़ता है, यानी कि अगर 5 करोड़ रुपए कमा रही होगी तो 5 करोड़ का 30% 1.5 करोड़ टैक्स दे रही होगी। अब ये जो 2 करोड़ का नुकसान हो गया, अगर ये वहां से सेट ऑफ हो जाए तो उसे 3 करोड़ रुपए पर टैक्स देना पड़ेगा, तो यानी कि 2 करोड़ रुपए पर 30% टैक्स बचा लिया। 60 लाख रुपए का जो टैक्स गवर्नमेंट को जाता वो अब आपको कम देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो जो लॉस का अगर ट्रीटमेंट हो जाए, बशर्ते की ट्रीटमेंट हो जाए, तो वो लॉस भी इनकम टैक्स में प्रॉफिटेबल माना जाता है। तो मनीषा लिख रही है मार्केट वैल्यू, मैं समझा नहीं मार्केट वैल्यू क्या कहना चाह रही हो आप, मार्केट वैल्यू को क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू का क्या करेंगे, मैं समझा नहीं, मार्केट वैल्यू का क्या करेंगे? सर, अगर ट्रीटमेंट ना हुआ तो सेल कंसिडरेशन, अगर ट्रीटमेंट ना हुआ, ट्रीटमेंट होगा नहीं होगा उस चीज के लिए तो मैं पूछ रहा हूं फिलहाल तो, कि सेल कंसिडरेशन आपका एक तरह से जब हम इंश्योरेंस क्लेम मिलता है आपको तो सेल कंसिडरेशन क्या लेते हैं, जो इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, तो यहां पर इंश्योरेंस क्लेम मिल ही नहीं रहा, यानी कि 0, माइनस कॉस्ट आपकी 2 करोड़ रुपए खड़ी हुई है, तो 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया या नहीं हुआ आपका? अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या ये 2 करोड़ रुपए का नुकसान निकालते वक्त कोई और टेक्निकलिटीज तो नहीं है, क्या चोरी में कोई टेक्निकलिटीज तो नहीं है कि जिस वजह से जो डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स का वो कह दे ये आपका नुकसान माना ही नहीं जाएगा? ऑल दो प्रॉफिट या लॉस दोनों ही निकालते हैं हम लोग, सेक्शन 45(1) मैंने पढ़ाया था, वहां पढ़ाया था एनी प्रॉफिट और गेन, लॉस भी अगर आएगा तो उसका ट्रीटमेंट भी हम इनकम टैक्स में लेंगे, लेकिन 45(1)(a) एक स्पेशल सिचुएशन है और मैंने बोल्ड भी कर रखा है ये वर्ड, वेयर एनी पर्सन रिसीव्ड, यानी कि सेक्शन 45(1)(a) तभी अट्रैक्ट होता है अगर किसी पर्सन को इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है। अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता है तो सेक्शन 45(1)(a) अट्रैक्ट होता ही नहीं है।
उस केस में जो आपका लॉस है वो डेड लॉस हो जाता है। डेड लॉस यानी कि जिसका इनकम टैक्स में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, और इसी बात को मैंने यहाँ पर स्पेशल पॉइंट बना के लिखा हुआ भी है जिससे आपके फ्यूचर में भी याद रहे। वेयर एसेट इज डिस्ट्रॉयड एंड देयर इज नो इंश्योरेंस और इंश्योरेंस कंपनसेशन नॉट रिसीव्ड नाइदर सेक्शन 45(1)(a) नो सेक्शन 45 शैल बी अट्रैक्टेड। सेक्शन 45 अट्रैक्ट ना होने का कारण ये है कि ये चीज ट्रांसफर नहीं है। सेक्शन 45(1)(a) अट्रैक्ट ना होने का कारण ये है कि वहां पर क्लेम नहीं मिल रहा है। सेक्शन 45 में अगर आपको कोई पैसा सेल कंसिडरेशन ना मिले, लॉस हो जाए, वो ट्रीटमेंट होगा वहां पर कोई चीज रिसीव हो जाए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन वहां ट्रांसफर जरूरी है। और यहां 45(1)(a) में रिसीव जरूरी है, तो ना तो 45 लग पा रहा है ना 45(1)(a) लग पा रहा है। सिंस डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट शैल नॉट बी ट्रीटेड एट ट्रांसफर, द कॉस्ट ऑफ द एसेट डिस्ट्रॉयड शैल बी ट्रीटेड एट डेड लॉस, बट इफ एन इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव इट विल अमाउंट टू ट्रांसफर एज पर सेक्शन 45(1)(a)। ऐसी स्थिति में आप इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर जनरल मैनेजर के हाथ पैर जोड़ लीजिए, मुझे 1 रुपया दिला दीजिए, मुझे नहीं चाहिए 2 करोड़ रुपए, मुझे 1 रुपया दिला दीजिए आप। 1 रुपये में कंपनी का क्या चला जाता है, किसी भी तरह से रास्ता निकालिए, 1 रुपया दिला दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, कोई टेक्निकल चीज है, आप 2 करोड़ रुपए नहीं दे रहे हैं, कंपनी को नुकसान हो जाएगा, लेकिन 1 रुपया तो दे दीजिए। इससे क्या होगा, अगर 1 रुपया भी आपको मिल जाता है तो सेक्शन 45(1)(a) अप्लाई हो जाएगा, और फिर आप कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, सेल कंसिडरेशन 1 रुपीज लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 करोड़, और वो नुकसान जो 2 करोड़ रुपए का है वो डेड लॉस होने से बच जाएगा। आपका लॉस तो हो चुका जो प्रैक्टिकल लाइफ में हो चुका, लेकिन कम से कम इनकम टैक्स में तो उसका बेनिफिट उठा ले हम। इनकम टैक्स में जो 2 करोड़ रुपए का नुकसान है, और अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो 2 करोड़ का नुकसान जो है वो 60 लाख रुपए की कीमत रखता है। 60 लाख रुपए जो गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है वो बच सकता है आपका, अगर ये डेड लॉस होने से बच जाए। समझ आ रही है बात आपको, इंश्योरेंस क्लेम मिलना जरूरी है। यहां तक आपको क्लियर हो गया या नहीं हुआ, जल्दी से मुझे जवाब भेजिए। आज आप देखिए, खुद ही देखिए, केवल एक सेक्शन में मैंने इतना टाइम लगा दिया, केवल इस वजह से कि आपको कोई ये ना कहे कि रट रटा के आप आ गए। एक एक चीज का आपके पास रीजन हो, कहीं पर भी आप बैठे हो अपने कुलीग्स के साथ, तो आपके पास एक एक चीज का रीजन होना जरूरी है। तो पूछ रहे हैं मनीषा जी, सर फिर 2 करोड़ का टैक्स कहां पर कैलकुलेट होगा? 2 करोड़ का टैक्स नहीं कैलकुलेट होगा बेटा, 2 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। लॉस का मतलब है कि अगर एसएससी की केवल एक ही इनकम थोड़ी होती है, जब हम इनकम टैक्स के 5 हेड हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक एसएससी को कैपिटल गेन में लॉस हो गया, कहीं बिजनेस में प्रॉफिट में प्रॉफिट हो रहा है, सैलरी में कुछ इनकम आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी में, तो वो लॉस जो है वो सेटअप हो सकता है, या हो सकता है एक जगह डिस्ट्रॉय हो गई प्रॉपर्टी, वहां लॉस हो गया, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी उसने बेची वहां 5 करोड़ का प्रॉफिट है, तो जहां उसे 5 करोड़ रुपए पर टैक्स देना था वो अब क्या करेगा, 5 करोड़ रुपए में से 2 करोड़ रुपए घटा के 3 करोड़ रुपए पर टैक्स देगा। तो एक तरीके से 60 लाख रुपए टैक्स कम देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इज इट क्लियर? सर मतलब टोटल इनकम टैक्स कम हो सकती है? यस, टोटल इनकम टैक्सेबल कम हो सकती है। लॉस जो है, रूल्स हैं उसके भी, अभी रूल्स बताने बाकी हैं, ऐसा नहीं अपने मनचाहे तरीके से कोई से भी इनकम से कोई सा भी लॉस आप माइनस कर देंगे, उसके एक सेट ऑफ रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंगली ही लॉस आपका माइनस होगा, लेकिन रूल्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ सकता हूं मैं? चलिए, अब बस हम फिनिश की ही तरफ हैं इसमें, सेक्शन 45(1)(a) में। देखिए अब हुआ क्या, गाड़ी का इंश्योरेंस करा रखा था एक व्यक्ति ने, बिजनेस की गाड़ी थी, क्योंकि प्राइवेट अगर कार है तो वो तो कैपिटल एसेट ही नहीं, कैपिटल गेन ही नहीं लगेगा, लेकिन एक बिजनेस की कार है, ऑल्दो मूवेबल है,
लेकिन वो पर्सनल इफेक्ट में की कैटेगरी में तो आएगी नहीं, वो तो कैपिटल एसेट मानी जाएगी और कैपिटल गेन भी लगेगा अगर प्रॉफिट होता है उसमें। तो बिजनेस की कार है, आपने इंश्योरेंस करा रखा था, वो चोरी हो जाती है, सारी इंक्वायरी करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देती है। आप मुझे बताइए सेक्शन 45(1)(a) अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? डिपार्टमेंट टैक्स लगाना चाहता है इसके ऊपर, डिपार्टमेंट टैक्स लगाना चाहता है कि क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम मिला आपको तो हम कैपिटल गेन प्रोविजन के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करेंगे, सेक्शन 45(1)(a) के अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करेंगे और टैक्स लगाएंगे। लगा सकता है या नहीं लगा सकता? डिपार्टमेंट ने तो लगाया, जल्दी से बताइए लगा सकता है या नहीं लगा सकता? मनीषा का जवाब आया नहीं सर, रीजन, मुझे रीजन भी चाहिए होते हैं, इसी वजह से थोड़ा सा मैंने आपके सामने प्रस्ताव रखा था, क्योंकि यस या नो से कुछ नहीं पता लगता कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। एग्जैक्ट चाहिए होता है रीजन कि वास्तव में आपके माइंड में क्या चल रहा है, जिससे मैं ये डिसाइड कर पाऊं कि वास्तव में आपको कितना समझ में आ रहा है, लो लो के हिसाब से ही समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट से आप कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं इसे। मनीषा कह रही है कि सर थेफ्ट का रीजन नहीं गिवन अंडर एक्शन, वेरी गुड मनीषा, क्योंकि थेफ्ट का जो रीजन है वो गिवन नहीं है इसमें, लेकिन सबसे पहले जो ऑर्डर होता है वो डिपार्टमेंट अगर कहता है कि 2 और 2 5 होते हैं, भैया वो डिपार्टमेंट है, सरकार है, वो तो ऑर्डर पास करके हम पे छोड़ देगा, तो डिपार्टमेंट ने तो कहा जी टैक्सेबल होगा, एसएससी इसे ले गया, हाईकोर्ट ले गया, और एसएससी ने कहा कि जी प्रॉपर्टी कहाँ ट्रांसफर हुई है इसमें, डिपार्टमेंट ने कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं सेक्शन 45 बने आ गया है, वहां पे ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है, अगर आपकी प्रॉपर्टी डेस्ट्रॉय होती है कुछ रीजंस की वजह से, इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो कैपिटल गेन हम लगा सकते हैं। एससीजी के वकीलों ने कहा कि क्या आपको नहीं पता कि यहां पर थेफ्ट कवर नहीं है, क्या आपको नहीं पता कि यहां पर थेफ्ट कवर नहीं है, तो यहां पर सारा मामला अटक गया और हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया एसएससी के फेवर में कि नो कैपिटल गेन अराइज इफ इंश्योरेंस कंपनसेशन इज रिसीव इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एसेट विच इज स्टॉलन, यानी कि कोई भी एसेट अगर चोरी हो जाती है उसके बदले में अगर आपको इंश्योरेंस का लिए मिलता है तो सेक्शन 45(1)(a) नॉट अट्रैक्टेड, और सेक्शन 45(1) पर तो ध्यान किसी का गया ही नहीं था, सब लोग 45(1)(a) मेल दे रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट भी क्या होता है एसएससी को परेशान करने की नियत से या किसी और वजह से सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, आखिरी दरवाजा भी खटखटाएगा, उनके तो वकील परमानेंट होते हैं, सीधी उन्हें देनी है, अननेसेसरी एसएससी परेशान होता रहता है, उसे तो हर अदालत के वकील अलग से उसे पैसे देने पड़ते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में वकील अलग, सिचुएशन तो यही, लेकिन आप देखेंगे अलग अलग वकीलों का दिमाग कैसे चलता है, एसएससी के वकीलों ने तो वही कहा कि सेक्शन 45(1)(a) नहीं लग पाएगा, क्यों नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहां पे थेफ्ट कवर नहीं है, एसएससी सॉरी जो डिपार्टमेंट के वकील थे उन्होंने अपना जो व्यू है चेंज कर दिया वहां पर, उन्हें पता तो लग ही गया था सेक्शन 45(1)(a) तो लग ही नहीं सकता, लेकिन कुछ नया सोचिए ना, डिपार्टमेंट के वकीलों को यह सोचना है लगातार कि किस प्रोविजन में लगा के इस पर टैक्स वसूला जा सकता है, तो एसएससी के वकीलों को अपना दिमाग ये लगाना है कि किस प्रोविजन को इस्तेमाल करके टैक्स बचाया जा सकता है, तो एसएससी के वकीलों ने तो दिमाग हाईकोर्ट में लगा ही लिया था, डिपार्टमेंट 45(1)(a) में टैक्स लगा रहा था उनका, तो एसएससी के वकीलों ने तो 45(1)(a) से बचने का तरीका निकाल ही लिया। अब बात आती है डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट में 45(1)(a) का जिक्र करता हार जाता, अब उन्हें माइंड नया लगाना है, तो उनके वकीलों ने कहा कि जज साहब सेक्शन 45(1)(a) नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 45(1) की,
मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 45 वन की, वहां कोई रीजन की बात नहीं होती, वहां होती है ट्रांसफर की। अब एस के वकील ने कहा प्रॉपर्टी कहां ट्रांसफर हुई है, डिपार्टमेंट के वकील ने कहा मैं सुनिए मेरी बात, मैं प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात ही नहीं कर रहा हूं, आप मुझे बताइए कि थेफ्ट के केस में क्या होता है, अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी चोरी हो जाती है तो उस केस में क्लेम कैसे मिलता है। इंश्योरेंस कंपनी आपसे लिखवाती, क्योंकि थेफ्ट की जो चीज है इस बात की गुंजाइश है कि बाद में मिल भी जाए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता आपने कंपनी से भी क्लेम लिया बाद में प्रॉपर्टी मिल गई वो भी आपकी हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे लिखवाती है, अंडरटेकिंग लेती है कि अगर ये प्रॉपर्टी बाद में मिलती है तो ये इंश्योरेंस कंपनी की होगी, एसएससी की नहीं होगी। इरेट क्लियर? जहां प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रही है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, वहां तो इंश्योरेंस कंपनी ये सब काम नहीं करती, लेकिन थेफ्ट के केस में तो ये करेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, किसी ना किसी के पास है, अब पुलिस उसे ढूंढ सकती है, तो हो सकता है कि बाद में मिल जाए। तो एसएससी के डिपार्टमेंट के वकीलों ने ध्यान दिलवाया पहली बार सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम जज साहब ट्रांसफर की डेफिनेशन में पहली क्लोज क्या सेल एक्सचेंज रिलिंक्विशमेंट, यहां पर ट्रांसफर चलिए नहीं आता, ना सेल हुई प्रॉपर्टी, ना एक्सचेंज हुई, ना रिलिंक्विशमेंट हुई, लेकिन दूसरी क्लोज पढ़िए एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन, यानी कि प्रॉपर्टी में कोई आपका अधिकार है अगर आप उसे देते हैं वो भी ट्रांसफर ही माना जाता है। तो यहां पर हो क्या रहा है, ऑल्दो एसएससी हैड नॉट ट्रांसफर्ड द एसेट बट ही हैड ट्रांसफर्ड द राइट टू गेट दैट एसेट बैक, यहां पर उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी इंश्योरेंस कंपनी को, बात समझ में आती है, लेकिन उसने राइट ट्रांसफर कर दिया उस प्रॉपर्टी में कि अब वो एसेट उसकी नहीं होगी बल्कि इंश्योरेंस कंपनी की होगी, और इसी को कहा जाता है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट डियरिंग। समझ में आ गई बात, ये यानी कि ये केस थेफ्ट वाला केस 45 वन ए का है ही नहीं, ये सेक्शन 45 वन का है। अच्छा 45 वन का है तो यहां पर तो हर तरह की, यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि फ्लड टाइफून राइट या थेफ्ट ये कवर्ड है, थेफ्ट कवर्ड नहीं है, लेकिन हाँ 45 वन में दो चीजें जरूरी है, कैपिटल एसेट होनी चाहिए, वो है, वो ट्रांसफर होना चाहिए, जो भी प्रोसेस आपने किया है वो ट्रांजेक्शन ट्रांसफर की डेफिनेशन मानी चाहिए। तो यहां पर जो प्रोसेस इस्तेमाल हुआ है क्लेम लेते वक्त वो प्रोसेस फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर, इसे कहा जाता है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबको इस एग्जाम्पल से, इस केस स्टडी से एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, और आपको ये पता लग गया होगा कि थेफ्ट के केस में हम सेक्शन 45 वन इस्तेमाल करेंगे और बाकी इंश्योरेंस क्लेम में जो ये रीजन दिए हैं यहां 45 वन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वही रीजन होने चाहिए जो सेक्शन 45 वन ए में गिवन है। न्यूमेरिकल करना बड़ा सिंपल है, न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को, जल्दी से मुझे बता दीजिए कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो। केवल आज सेक्शन 45(1)(a) के ऊपर ही हमने चर्चा रखी है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने इसे करा दिया है कि कहीं पर भी आप अपने कुलीग के साथ बैठे हो, किसी से भी आप चर्चा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपकी जो नॉलेज है कहीं से कहीं तक आपको दगा नहीं देगी, किसी भी लेवल पर जाके सेक्शन 45(1)(a) पे अगर बहस होती है किसी भी लेवल पर जाके आप बहस कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर साइन ऑफ करते हैं, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।